क्या सोच रही हो? और तुमसे पूछ रहे हैं? हाँ, सो ऐसे तो कुछ कोई नहीं। जितने भी लोग तैयारी शुरू करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो कोर है, कोर वह ह्यूमैनिटीज। कोर इस परीक्षा का जो कोर है वो है ह्यूमैनिटीज, यानी हिस्ट्री, यानी पॉलिटी, यानी इकॉनमी। ये तो दोनों तरफ का साइंस वो है, दोनों स्ट्रीम में आता है, ह्यूमैनिटीज में भी आता है, मैथ्स में भी आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, जियोग्राफी, साइंस, साइंस अलग स्ट्रीम हो गया। अब पांच केंद्र हैं इसके, पांच में से चार जो है वो ह्यूमैनिटीज के हैं। अब देखो इसकी तैयारी करने वालों के सामने क्यों इतनी चुनौती आती है, खासकर इस बार तुम देखो हिंदी मीडियम का रिजल्ट कितना बढ़िया है। मैं तुमसे बार बार कहता रहा कि मीडियम का एक्सप्रेशन, तुम्हारा जहां एक्सप्रेशन अच्छा है वहां तुम्हें नंबर मिलेगा। ये एक भ्रम बैठ गया था हिंदी मीडियम के लड़कों में कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। अब पहली दिक्कत क्या आती है कि ये एग्जामिनेशन का कोर ह्यूमैनिटीज है और आपने सिर्फ 10th तक पढ़ा है, मेजॉरिटी ने 10th क्लास तक आपने इसको पढ़ा है, वो भी इस हिसाब से पढ़ा है कि इसका जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर किसी ने गलती से 11th 12th में पढ़ा भी है तो हिंदुस्तान में शायद ही कोई स्कूल हो जहां ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छा पढ़ाया जाता हो। तो पहली दुर्घटना आपके जीवन में यह घट गई कि आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ना आया ही नहीं। क्यों यहां पांच पांच साल, दस दस साल लोगों को लगता है, क्यों ये चीज इतनी कठिन बन गई है? पहला 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 बात यही है कि आपने कभी पढ़ा नहीं, 10th तक पढ़ा और 10th तक आपने इस तरह से पढ़ा कि सिविक्स। छोटी छोटी जो एनसीईआरटी की किताबें, इतने प्यारे प्यारे चैप्टर हैं उसमें, राइट टू इक्वालिटी चैप्टर है पूरा, इक्वालिटी के नाम से पूरा चैप्टर है, डेमोक्रेसी के नाम से पूरा चैप्टर है। क्लास 9 डेमोक्रेसी क्लास 9 में पूरा चैप्टर है, लेकिन पढ़ा ही नहीं। ह्यूमैनिटीज को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं इस कंट्री में। कहते साइंस पढ़ोगे फायदा है, कॉमर्स पढ़ोगे फायदा है। इस कंट्री में तो मानते ही नहीं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से कोई फायदा है। वो कहते हैं कॉमर्स पढ़ लो उससे फायदा है, सबसे ज्यादा वो कहते हैं साइंस पढ़ने से फायदा है, दूसरा वो कहते हैं कॉमर्स पढ़ने से फायदा है, लेकिन वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और इस एग्जामिनेशन का कोर है ह्यूमैनिटीज। बस यहीं पर 90% लोग संकट में आ जाते हैं, क्योंकि जो इस एग्जामिनेशन का कोर है वो आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़ते, हिस्ट्री उठा लेते, हिस्ट्री हिस्ट्री क्यों पढ़े? अब पढ़ने के दो तरीके हैं, एक जो हिंदुस्तान का तरीका है रटने का, इसीलिए तो ये देश की स्थिति देखो क्या है, सब अलग गाना गा रहे हैं। इस देश में हर आदमी अलग गाना गा रहा है,
पता ही नहीं। मंदिर व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ऋग्वैदिक काल में। खाने को नहीं था तब, सबसिस्टेंस इकॉनमी। अरे वैदिक काल से मंदिर है भैया, सबसिस्टेंस, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, वहां कहां मंदिर बनेगा? है संभावना? अभी आर्किटेक्चर के बाद बोल दें बताने के लिए, अभी इस क्लास में शायद ही कोई आर्किटेक्चर बता पाएगा। आर्किटेक्चर क्या है? दो चीज का सूचक है, एक उस काल के दर्शन का फिलॉसफी और एक उस काल की इकोनॉमिक अव्यवस्था अवस्था का। अब आर्किटेक्चर, चलो एक हेडिंग डालते हैं आर्किटेक्चर। अब देखो इस आर्किटेक्चर से एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर, ऋग वैदिक काल, लेटर वैदिक, सिक्स्थ सेंचुरी बीसी बुद्धा पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत हम प्री मध्यकाल में रखते हैं, प्री मेडिवल पीरियड में रखते हैं। अब यहां पे आर्किटेक्चर में, रोहित यहां पे क्या है आर्किटेक्चर में? कुछ है? कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? यही लिख लो, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। खाने को नहीं है, मकान कहां से बनाएंगे? यहां पे आर्किटेक्चर में है कुछ भी नहीं है, और अगर है तो ज्ञात नहीं है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स नहीं मिले हैं। यहां पे आर्किटेक्चर में निश्चित तौर पर रहा होगा, निश्चित तौर पर रहा होगा, महाजनपद बढ़ गए हैं तो महल तो बने ही होंगे, लेकिन संभवतः महल लकड़ी वगैरह के बने होंगे, समय के साथ खत्म हो गए। तो यहां पे लिटरेरी एविडेंस है आर्किटेक्चर का, साहित्यिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल नहीं है। इतिहास में तीन एविडेंस है, लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स और आर्कियोलॉजी। यहां पे लिटरेरी एविडेंस है, यहां पर आर्किटेक्चर का जबरदस्त एविडेंस है। फायहान कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देवताओं ने बनाया होगा, यानी जब उसने उस महल को देखा होगा तब वो बड़ा भव्य रहा होगा। यहां पे आर्किटेक्चर में क्या दिखाई पड़ता है? स्तूप की सूचना मिलती है। यहां पे आर्किटेक्चर में क्या दिखाई पड़ता है? विहार की सूचना मिलती है। अब ये क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाते चले आओ। यहां पे आर्किटेक्चर में फिर मौर्य काल में स्तूप, विहार, लेकिन सबसे शानदार चीज जो इस काल की बड़ी ऐतिहासिक चीज है वो है अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। सब पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब आज इस देश में सर्वोपरि क्या है? संविधान। तो आर्किटेक्चर में नया पार्लियामेंट पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ? फिर पोस्ट मौर्य। अब यहां पर सेकेंड अर्बनाइजेशन अपने पीक पे पहुंच रही है, जमकर पैसा आ रहा है, भयंकर पैसा। तो आर्किटेक्चर और आर्ट दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। बरहूत स्तूप, सांची स्तूप, झांडियाल का मंदिर, यहीं से टेंपल आर्किटेक्चर की भी शुरुआत होती है। बस क्वेश्चन मार्क लगा लो कि ऐसा क्या हो गया यार कि यहां टेंपल बनना शुरू हो गया। स्तूप और विहार तो है ही है, स्तूप और विहार तो है, एक नई चीज की शुरुआत, टेंपल, और सबसे फेमस टेंपल झांडियाल, लाहौर में झांडियाल का टेंपल। हम खत्म नहीं है, अवशेष है उसके बस। अब यहां पे गुप्त काल में यह संक्रमण का काल हो गया, स्तूप और विहार पीछे हो गए, अब टेंपल आर्किटेक्चर को बढ़ावा मिलने लगा, प्रमोशन टू टेंपल आर्किटेक्चर, क्वेश्चन मार्क लगा लो।
सबसे फेमस कौन सा है? दशावतार झांसी का। पोस्ट मौर्य टेम्पल आर्किटेक्चर और प्रमोशन मिला। और ये देखो कहानी बढ़ रही है ऐसे ऐसे। तो ह्यूमैनिटीज का हमने क्या मान लिया कि ह्यूमैनिटीज माने रटना। तुम तो अभी ट्वेल्थ में हो ना, ट्वेल्थ कर लिया, अभी रिजल्ट आया तुम्हारा, पढ़ाई नहीं इस देश को ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं गई। पास्ट को पढ़कर प्रेजेंट का अवलोकन, इवैल्यूएशन। विभिन्नतावादी भारत को पहली बार किसने संभाला? अशोक ने। विभिन्नतावादी भारत को दोबारा किसने संभाला? अकबर ने। तो आज भी तो उसी तरह इस विभिन्नतावादी भारत को संभाला जा सकता है। मुगल काल की अर्थव्यवस्था पढ़ो, सन्नाटे में आ जाओगे। इतनी मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, नहीं मुगल काल पूरा ही, इतनी इतनी प्रॉस्पेरिटी थी विलेज लेवल पे। उसकी वजह क्या थी? मुगलों ने एक बड़ा अच्छा काम किया, किसान उत्पादक भी है, कपास पैदा कर रहा है। लेकिन वो मुगल कह रहे हैं, मुगल संरचना ऐसी है सरकार की कि वो किसान से कह रहे हैं कि देखो तुम सिर्फ कच्चा माल मत बेचो, तुम चरखा रखो, सूत बनाओ, तो रॉ मटेरियल भी बेचो, मतलब तुम रॉ मटेरियल बेचो कपास, और तुम फिर सूत बेचो। तो कपास बिकेगा 100 रुपया किलो, सूत बिकेगा 200 रुपया किलो। यानी किसान उत्पादक भी है, प्रोड्यूसर भी है। यह पहली गलती हो गई कि इस देश में 10th तक ह्यूमैनिटीज को पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे ही ऐसे पढ़ाया गया। हिस्ट्री पढ़ना है, पास्ट को जानना है, पास्ट को जानकर प्रेजेंट का इवैल्यूएशन करना है, और फिर भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी है। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना है। इकोनॉमी क्यों पढ़ना है? अब इकोनॉमी जो आदमी नहीं समझेगा, आधुनिक अर्थव्यवस्था के 3 पिलर हैं। कौन कौन से? आधुनिक अर्थव्यवस्था के 3, आधुनिक अर्थव्यवस्था मैंने कह रहा हूं, आधुनिक अर्थव्यवस्था के 3 पिलर हैं। अगर वो 3 कमजोर हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। ये तो नेशनल इनकम तुम बता रही हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, वो तो नेशनल इनकम की बात हो रही, आधुनिक अर्थव्यवस्था। अब तुम सोचो, एक बड़ी छोटी सी बात सोचो, 1949 में एक कंट्री पैदा हो रही है, चाइना, चलो 1950 मान लो, हा? और 2020 में ये कंट्री वर्ल्ड पावर बन रही है। हम भी तो उसी के आसपास पैदा हुए, 1947 इंडिया, पाकिस्तान भी तो उसी समय पैदा हुआ, 1947। ये तीनों कंट्रियां एक ही साथ तो जन्म ले रही हैं, उसी परिस्थिति से गुजर रही हैं। पर तुमने अभी हिस्ट्री में 100 फ्लावर कैंपेन नहीं पढ़ा होगा, माओ का पढ़ लोगे, सन्नाटे में आ जाओगे। 100 फ्लावर कैंपेन, फ्लावर, फूल, फूल, 100 फ्लावर। 1871 में जर्मनी पैदा हुआ, 1871 में जर्मनी पैदा हुआ, और 1914 में ब्रिटेन से पंगा ले रहा है। तो 1871 से 1941 तक कुछ तो किया होगा, कोई कंट्री ऐसे ही ताकतवर बन जाएगी? लेकिन तुमने कभी ये सब सोचा ही नहीं, तुम पढ़ना चाहते हो बस, तुम सिर्फ पढ़ना चाहते हो। 1871 से पहले जर्मनी था ही नहीं, और 1910 में जर्मनी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील। 1871 में जर्मनी देश बना, 1910 में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आयरन, लोहा और इस्पात का, पहला यूएस, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम सोचना नहीं चाहते। ह्यूमैनिटीज का सारा खेल सोचने का है, कनेक्ट करने का। 1867 में एक कंट्री पैदा हुई, जापान, और 1910 में वर्ल्ड पावर, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। ये देखो, ये
1871 में कंट्री पैदा हुई जर्मनी, 1910 में इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, 1867 में कंट्री पैदा हुई जापान, 1910 में वर्ल्ड पावर, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, 1949 में कंट्री पैदा हुई चाइना और 2020 में वर्ल्ड पावर, सुपर पावर को टक्कर दे रही है। तो कुछ तो कॉमन होगा ना इन तीनों कंट्रियों में। '70-'87 में पैदा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 1945 में विश्व वैश्विक शक्ति, इन चारों में कुछ तो कॉमन होगा, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। जब किसी अभी टॉपरों का रिजल्ट आया, काहे ढूंढ रहे हो उनको कि भैया कुछ बता दो हमको भी। ये टॉपर है, ये दो तो इंटरव्यू से बाहर हो चुके थे लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचे, ये इनका इंटरव्यू चल रहा है, राम जाने क्या होगा इनका, ये क्वालिफाई कर चुके इंटरव्यू। तो इन चारों कंट्रियों में जो पैदा हुई, ऐसे ही एक कंट्री पैदा हुई 1947 में, इंडिया। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि इस देश में सब पढ़ना चाहते हैं। इकोनॉमी पढ़ो तुम, इस इंटरकनेक्टिविटी को समझो कि बैंकिंग व्यवस्था के मजबूत होने से स्टॉक एक्सचेंज मजबूत होगा, बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज के मजबूत होने से मार्केट मजबूत होगी, इन तीनों के मजबूत होने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को गति मिलेगी। तो पहला काम तैयारी में तो तुम लोग ये करो सारे लोग कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ो इस एंगल से कि इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। यह पहला चरण होगा, तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स पढ़ने के लिए, पहला फेस पढ़ने का, कि हम फिर से हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम फिर से पॉलिटी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम, लेकिन अब पढ़ने का उद्देश्य परसेंटेज नहीं होगा, अब पढ़ने का उद्देश्य व्यू पॉइंट होगा।